आप बदमाश है? अल्लाह का शुक्र। आप गुंडे? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। नहीं, आप लगता है आप एयरपोर्ट पे बंदों को फोड़ देते हैं, इधर उधर फोड़ देते हैं, मतलब आप हैं कौन? आप बताए ना यार, अगर बदमाशी करनी आए वन ऑन वन करते। एमकेएम में आने की वजह अल्ताफ हुसैन थी या जाने की वजह अल्ताफ हुसैन है? जाने की वजह अल्ताफ हुसैन थी। बाकी क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो है ना, वो रात को मुझे नींद से उठाता था। इतनी उम्र हो गई आपकी, शादी कब करेंगे? चौथी। रेहम खान को प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ, उसे आपने प्रपोज किया था, ये बात ठीक है? भाई मैंने तो लाइव शो में उसको प्रपोज किया, और मैं आज भी उसको कहता हूँ कि देखो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो आज मानती है इस बात को कि अगर मैं तुम्हारी प्रपोजल को मान लेती तो मैं इमरान खान के हत्थे नहीं चढ़ती। एक बात बताएं, लियारी के लड़के तो बड़े स्लिम से और मतलब फुटबॉल खेलते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं, आपने तो ऐसा लग रहा है फुटबॉल खा ली और फुटबॉल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये क्या वजह है बताया? आपकी नज़र में कौन सी सियासत दाना सबसे खूबसूरत है? जितनी भी भले अपोजिशन की क्यों ना, इधर उधर अपोजिट पार्टी की क्यों ना, आप बताएं। मरियम नवाज शरीफ। अच्छा एक बात, ये बात है, ये सच है कि मोहतरमा की गाड़ी आप चला रहे थे और गाड़ी आपने ठोक दी थी कहीं? ये बात ठीक। मैं कराची में हमेशा मोहतरमा शहीद बेनजी की गाड़ी चलाता था, और एक दफ़ा क्या हुआ, सिंध असेंबली गए तो सिंध असेंबली में जाम सादिक की हुकूमत थी, उसने कहा भाई मोहतरमा आ रही है तो गेट बंद कर दो, पुलिस को कहा जाने नहीं दो। तो मैं मोहतरमा के साथ था, मोहतरमा की गाड़ी थी, तो मोहतरमा ने मुझे कहा नबील क्या देख रहे हो, गाड़ी मार दो, नहीं करें, तोड़ दो ये गेट, और वो लोहे की गेट थी सिंध असेंबली। अच्छा। और वो मैंने गाड़ी मार दी और गेट तोड़ के अंदर। कौन सी गाड़ी थी? वो निसान पेट्रोल थी। मतलब 25 साल की उम्र में सुन्नत है, शादी करता है बंदा, एमपीए बन गया। पहले शादी की, उसके बाद एमपीए बना, फिर शादी की, फिर दोबारा मैंने बना, मतलब ये शादी, एक दफा और शादी करके वजीर आजम बन जाए सर। मैं यही आपकी बात में, आपकी जुबान में मुंह में क्या होता है, घी शक्कर, कोई अगर होता तो मैं इधर डालता, मुंह में डालता हूँ। कौन सी ऐसी सियासी खातून है जिसे देख के आप खड़े हो जाते हैं? सियासी खातून को देख के खड़ा, मतलब मैं जो भी खातून गुजरती है ना, खड़ा नहीं, खड़े हो जाते हैं। खड़े मतलब आप खड़े हो जाते? मैं खड़ा। अच्छा मेरी बात कर रहे हैं। मोहतरमा आपके लिए एंजल थी? एंजल, मोहतरमा के नाम मैंने एंजल रखा था। तो जरदारी साहब आपके लिए क्या हुआ? जरदारी साहब एंजल के शौहर थे जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीनों हजरात, मैं हूं नादिर अली। पूरे शहर में उड़ रही है मिट्टी वाली धूल, कोई नहीं करता है ये जुर्म कबूल, कांटों से चुन के बनाया है ये फूल। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, नबील कबूल, नबील कबूल। वैसे कबूल नहीं है, गबोल है। गबोल है, लेकिन असल में मेरी शायरी में ये बन रहा था, इसलिए मैंने ये कर दिया। अच्छा आपकी आदत में शुमार है। सबसे पहला मेरा सवाल, आप बदमाश है? अल्लाह का शुक्र। आप गुंडे? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। नहीं, आप लगता है आप एयरपोर्ट पे बंदों को फोड़ देते हैं, इधर उधर फोड़ देते हैं, मतलब आप हैं कौन? आप बताए ना यार, अगर बदमाशी करनी आए वन ऑन वन करते हैं। मैं तो अगर बदमाशी करनी होती बेटा भी आपको उठा के ले जाता, लेकिन आपकी साइज मेरे से भी शायद थोड़ी ऊपर है। अभी आपको उठा के क्या करोगे तुमसे? अच्छा तो मैं, ये जो लड़की है क्या नाम है जो अभी आजकल आज मेरे को फोन करती है, उसका नाम क्या, ये मेरा वो है जो आपको पता ना मिला के दे, जो जिसको इंग्लिश में पिंप कहते हैं। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, मैं बड़ा शरीफ हूँ, मासूम हूँ। वसीम बदामी जैसा मासूम नहीं। अच्छा। वो तो बड़ा उस्ताद है और उसने जो है अभी बाल लगवाए अपने, तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देख बेटा तू कब तक कितनी अय्याशी करेगा। गंजा था ना, आपको नहीं पता है, लेकिन मेरा दोस्त है वो माइंड कर जाएगा। नहीं, वसीम बदामी ने ये जो बाल लगे हैं ये वो हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा अच्छा, तो वो वसीम बदामी मेरा भी भाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गबोल साहब बोल रहे हैं, देखो भाई मैंने नहीं बोला है। देखो तुम्हारे बाल खड़े हुए हैं, अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ एक ही चीज खड़ा हो सकता है, तुम्हारे अंदर एक ही चीज है जो बाल है वो खड़ा हो सकता है, तुम्हारे अंदर वो जिगर नहीं है खड़ा होने वाला है। सर और भी बहुत सारी चीजें, आप खड़े नहीं, नहीं आपके सिर्फ बाल, मैं आपके अदब में वो सारी चीजें बिठा के रखी हुई हैं। मैं आपकी जिगर की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और लेकर गए अपने आप को, हो सकता है आपका मतलब आपके बाल सिर्फ खड़े ना हो और भी चीज आपका, लेकिन जिगर खड़ा नहीं हो सकता। एमकेएम में आने की वजह अल्ताफ हुसैन थी या जाने की वजह अल्ताफ हुसैन है? जाने की वजह अल्ताफ हुसैन थी। बाकी क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो है ना, वो रात को मुझे नींद से उठाता था और मुझे, मैं गलती से चला गया, लंदन सो रहे थे? नहीं नहीं, मैं गलती से चला गया था एमकेएम में। अच्छा। अब उसकी आदत थी कि वो अपने एमएनएस को उंगलियां बहुत करता था, वो हर एमएनएस को रात के 3 से लेकर सुबह 7 बजे तक फ़ोन करता था,
मेरा टाइम आता था सुबह 4 बजे तक, मैं 16 बजे नींद से उठाता था। एक दफा अल्ताफ हुसैन का फोन आ गया तो मैंने कहा ये कोई टाइम है फोन करने का, कौन बोल रहा है? मैं अल्ताफ हुसैन बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जी जी भाई कैसे हैं आप? अब क्या करें, मजबूरी में शेर को भी सर्कस में काम करना पड़ता है ना। हमने तो सर्कस में काम किया 1.5 साल तकरीबन एमक्यू में। अच्छा। फिर निकल आए। निकलने की वजह यही है कि फोन करके हाँ, उल्टी सीधी बातें करता था। मुझे तो शक भी होने लगा उसको। 4 बजे क्यों फोन? 4 बजे पता नहीं यार, अभी मतलब एक बंदे का नया नया, आपको पता है कि उसकी बेचारे की जिंदगी, जिस बंदे की जिंदगी में कोई साथी ना हो तो वो फिर हर किसी से अपना दुख बांटने की कोशिश करता है। तो उसकी जो साथी थी वो उसको छोड़ के चली गई। अच्छा ये बताएं नबील भाई, एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ, एयरपोर्ट पे आपका झगड़ा हुआ और वो वीडियो भी वायरल हुई, आपने उसे कूट दिया ठीक ठाक, वो गिरा भी। तो वो क्या था, झगड़ा क्या था? आप मुझे गाली देके बता दो, अभी आपको कूट को गिरा दूंगा। नहीं जाहिर है, मैं गाली दी, मैंने कूट दिया। नहीं गाली ऐसी थोड़ी है कि आप यूं जा रहे हो, ए तेरी ये थोड़ी है कि वो गाली दी ना उसने। और अभी मैं इधर एक बैठा हूँ, साथ में खड़ा हो गया, नशे में था, मुझे गाली दे दी उसने। कहा तू क्या चीज है, तेरे को उल्टे में गाली दे दी, अब वो आप चला हो गया उसे गाली। मामला क्या था? मामला कुछ नहीं, वो नशे में था ना, नशे में था वो, मुझे पसंद नहीं करता था, वो भी लहरी का था। अच्छा। वो नशे में था, मेरे साथ मस्कत से आया था फ्लाइट में। हाँ हाँ। वो उधरी से मुझे गुस्से में देख रहा था, जैसे एयरपोर्ट पे उतरा उसने मुझे जो है उल्टी बात बोल दी। अच्छा मेरा एक आदत है बचपन से, मैं उल्टी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो मैंने उठा के उसको जो है एक पंच नीचे डस। इतनी उम्र हो गई आपकी, शादी कब करेंगे? चौथी मुझे पता है, 3 हुई भी है मुझे पता है। मेरे बेटे का, बड़े बेटे का नाम भी नादिर है। अच्छा। अब आप चाहते हो कि आपके जब ये शो ऑन एयर हो घर जाओ तो बच्चे वैसे ही मेरे को आजकल जो है ना पसंद नहीं कर रहे इसी बात पे कि आप टीवी में आकर बड़े फ्रैंक बात करते हो। हाँ। और आप बाबा जरा जो है ना फ्रैंक बात नहीं किया करो अपनी जरा। तो ब्लंट है, ब्लंट बोलो, मैं बेटा ब्लंट हूँ, देखो बात मेरे मुंह से निकल जाती है। तुम लोग जो हो ना कराची वाले जो हो ना, अभी तो आपको मैं कराची वाले ही कहूँगा, पीछे से आप कहीं से भी आ रहे हो, जो कराची वाले हो ना अपना जज्बात दिल में रखते हो और बाथरूम में निकालते हो। हम लोग जज्बात जो है ना अपना दिल में नहीं रखते, जो पसंद आ गई उठा लिया। अच्छा वही निकाल दिए? नहीं उधर ही उठा लिया। अच्छा उधर ही उतर अपना हो गई, मतलब पसंद आ गई वो अपनी हो गई। अच्छा यहीं पे मैं एक बात जोड़ूंगा। हाँ। रेहम खान को हाय 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 प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ। हाँ। उसे आपने प्रपोज किया था, ये बात ठीक है? भाई मैंने तो लाइव शो में उसको प्रपोज किया और मैं आज भी उसको कहता हूँ कि देखो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो आज मानती है इस बात को कि अगर मैं तुम्हारी प्रपोजल को मान लेती तो मैं इमरान खान के हत्थे नहीं चढ़ती। नहीं और जब हाँ इमरान मतलब ये ये जितनी लड़कियां तोन छोन नहीं देखती हैं। क्या देखती हैं? ये एक ही चीज देखती हैं। क्या देखती हैं? एक ही चीज। क्या क्या बता दे, क्लियर कर दे। रिफाइंड तरीके से। हाँ। नाम बड़ा। मैं समझ कुछ और बड़ा। इधर ही से तो मार खा गया हूँ मैं। हाँ। नाम बड़ा होना चाहिए। नाम बड़ा होना चाहिए। नाम बड़ा मतलब मैंने एक बात बोली थी गबोल साहब कि अगर लड़का पैसे वाला हो तो इस्तखारे में हाँ ही आता। हाँ ही आता। ये बात ठीक है? बिल्कुल 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 सही है। मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। मर्द उसको तो मर जाना चाहिए जहर खा के जो खाली जेब वाला। अल्लाह अकबर यार। लेकिन कोई आजमाइश में बेचारा, कोई कुछ है उसको क्या करे यार, मर जाना चाहिए आजमाइश में। नहीं यार गरीब गरीब क्या करे बेचारा। देखो गरीब अमीर बनने की कोशिश करे। आप आज से 15 साल पहले स्कूटर पे घूमते थे। बिल्कुल ऐसे। आज आप जो है प्राडो में घूमते हो। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताओ आपने मेहनत करके यहाँ पहुंचे। बिल्कुल मेहनत और लक, इसमें लक भी बहुत मैटर करती है सर। मेहनत तो गदारी करता है, लक बीवी का काउंट करता है। आपने अच्छा, आप ये समझते हैं जो लक है ना जिससे शादी आप करते हो उसका नसीब, उसका नसीब से आप बनते हो। सही है। तो मर्द का कोई नसीब नहीं है, मेहनत कर रहा है 24 घंटे। शक्ल देखकर कोई नहीं बोल सकता कि नादर अली जो इतना बड़ा वो बन गया है, पता नहीं बोडा कास्ट है क्या बन गया है। समझे ना, आपकी ये जो भाभी की लक है ना उसने आपको ऊपर चढ़ाया। एग्रीड। और वालिद और माँ की दुआ। एग्रीड। एक बात बताएं, लियारी के लड़के तो बड़े स्लिम से और मतलब फुटबॉल खेलते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं, आपने तो ऐसा लग रहा है फुटबॉल खा ली और फुटबॉल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये क्या वजह है बताया? फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं? फुटबॉल से इंटरेस्ट बिल्कुल है, बचपन में जवानी में फुटबॉल खेलते थे। बल्कि आपको मैं भूल गया फोटो लाना, मैं जब 23 साल की उम्र में स्क्वाश प्लेयर था तो हाँ बिल्कुल। लेकिन बात ये है ना कि भाई एक वक्त आ जाता है कि आदमी जो है अपने से मोहब्बत करना छोड़ देता है और दूसरों से मोहब्बत करने लगता है। तो मैं दूसरों से मोहब्बत करते 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 अपने को भूल गया। जब दूसरों से मोहब्बत करते करते अपने को भूल गया तो वो जिनसे मोहब्बत करता था वो भाग गई सारी।
कि ये तुमने अपना हाल क्या कर दिया। अच्छा, तो अब दोबारा अपने से मोहब्बत शुरू कर दी है ताकि वो नहीं भागे। नहीं, असल में मैं समझता हूँ, देखें ये चीज़ तो मैंने खुद भी फील की, आप पीपल्स पार्टी के उमर शरीफ हैं। हाँ, आप इतने ज्यादा मजेदार बातें करते हैं कि आपको आज मैंने भी ये लकब दे दिया है कि आप मजेदार आदमी हैं। मरहूम जो है बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा। हाँ, हाँ। 1962 में आपकी पैदाइश हुई। हाँ, आप जमे, ये असली मतलब नहीं बता रहा किसी को। 3 साल बाद 65 की जंग हुई थी, ठीक है, और 3 साल पहले आप 62 पे आप आ चुके थे। 1962 में आपकी पैदाइश और 25 साल की उम्र में आप MPA बन चुके थे। हाँ। मतलब 25 साल की उम्र में सुन्नत है, शादी करता है बंदा, MPA बन गया। पहले शादी की, शादी किस उम्र में? शादी पहले की, उसके बाद MPA बना, फिर शादी की, फिर MNA बना। अच्छा। फिर शादी की, फिर दोबारा मैंने बना, मतलब ये शादी, एक दफा और शादी करके वजीर आजम बन जाए सर। मैं यही आपकी बात में, आपकी जुबान में, मुंह में क्या होता है, घी शक्कर। हाँ, कोई अगर होता तो मैं इधर डालता, मुंह में डालता हूँ, समझे ना तुम्हारे। तो वजीर आजम बनने के लिए ये हरकतें करनी पड़ती जो इमरान खान ने की हैं, समझे ना। क्या तो किए? अब शादियों पे शादी, शादियों पे शादी, आखिरी में फिर आपको पता है कहाँ पे पहुँच गया गरीब। आपकी नज़र में कौन सी सियासत दाना सबसे खूबसूरत है, जितनी भी, भले अपोजिशन की क्यों ना, इधर उधर अपोजिट पार्टी की क्यों ना, आप बताएं। मरियम नवाज शरीफ अच्छी है, मतलब अपीयरेंस अट्रैक्टिव। अभी आज का पूछ रहे ना, आज का। उम्र मैटर नहीं करती? नहीं, उम्र क्या मैटर, क्योंकि मैं समझता हूँ मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता। हाँ, महसूस जितनी करता है, और औरत की उम्र इतनी होती है जितनी वो दिखती है, जितनी दिखती है, जितनी, जब तक वो खूबसूरत, जब तक मेकअप जो है ना साथ दे, है ना। हाँ। ये है ना। हाँ। कौन सी ऐसी सियासी खातून है जिसे देख के आप खड़े हो जाते हैं? सियासी खातून को देख के खड़ा, मतलब मैं जो भी खातून गुजरती है ना। हाँ, खड़ा नहीं, खड़े हो जाते हैं। खड़े मतलब आप खड़े हो जाते हैं? मैं खड़ा, अच्छा मेरी बात कर रहे हैं। तो सर आप क्या समझ रहे हैं यार, मैं आपके खड़े हुए बाल को देख देख के ना। अच्छा, मेरे बाल खड़े हुए अच्छे लग रहे हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं खड़े 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 बाल, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके जिस्म में एक ही चीज है जो बाल है जो खड़ा होता है। सर और भी बहुत चीज है, अल्लाह आपको और दे। हाँ, लेकिन ये कि मैं तो औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, और जो भी सामने से गुजरती है मैं खड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल, आप इतनी इज्जत करते हैं कि आपने एक शो में ऑनलाइन ये आमना इलियास एक एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी प्रपोज कर दिया। यार बात ये है कि मैं जिसके ऊपर चाहता हूँ कि उसकी किस्मत खुल जाए, मैंने रियाम खान को प्रपोज किया तो वो प्राइम मिनिस्टर की बीवी बन गई, इमरान खान लेके उड़ा उसको। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अपनी किस्मत बनानी है, बोला हाँ। मैंने कहा तुम्हें प्रपोज कर दो, तुम्हें कोई और आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त आने वाला है वो तुम्हें ले उड़ेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, तो इसलिए उसने कहा ये प्लीज आने वाला कौन है यार, मैं जरा कम अकल हूँ इस मामले में, जरा बताएं ना यार। आने वाला तो अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान है। ये आपको सियासतदान प्राइम मिनिस्टर लग रहा है? मुझे आने वाले दिनों में ये सेटअप, ये जो इमरान खान अभी जाएगा 28 तारीख को, इमरान खान के बाद जो इस सेटअप में, मुझे तो मौलाना फजल रहमान दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन जनरल इलेक्शन जब होगा उसमें बिलावल। मोहब्बत में ज्यादा धोखे खाए या सियासत में? दोनों में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, मोहब्बत में तो कुछ ज़्यादा ही धोखे खाए हैं। मोहब्बत में धोखा खाने में जो है ना मज़ा इसलिए नहीं आता है क्योंकि फिर आप उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते हो, मतलब क्या नहीं करना मतलब। लेकिन जो सियासत में कर लेता है, मैं समझा नहीं हुई। नहीं मतलब जो सियासत में कर लेता है धोखे, तो फिर उसको भूलता नहीं। हाँ। मतलब फिर अब आपकी मैंने इमेज एक बना दी है कि यार बड़ा बजर जॉली आदमी है, फिर यू इशारे कर रहे हो अंडरटेकर वाले। शेफ का, अपने शेफ की बात। अच्छा, शेफ वाली। अच्छा, ये बताएं, मैं समझे ये, क्योंकि मैं जब मोहब्बत में धोखा खाता हूँ ना तो फिर मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, और एक दफा तो इतनी बड़ी धोखा, बड़ा धोखा खा लिया था कि वो दाढ़ी इतना बड़ा हो गया कि मौलवी लगने लगा, तो वो मौलवी लगने लगा तो मुल्ला जैसी दाढ़ी हो गई थी, तो फिर वो मैंने कहा यही रहना थी। तो अभी मैंने अभी अपने आप को जरा क्लीन शेफ किया। अच्छा, ये अच्छा एक बात, ये बात है, ये सच है कि मोहतरमा की गाड़ी आप चला रहे थे और गाड़ी आपने ठोक दी थी कहीं? ये बात ठीक? मैं कराची में हमेशा मोहतरमा शहीद बेनजी की गाड़ी चलाता था, और एक दफ़ा क्या हुआ, सिंध असेंबली गए तो सिंध असेंबली में जाम सादिक की हुकूमत थी, उसने कहा भाई मोहतरमा आ रही है तो गेट बंद कर दो, पुलिस को कहा जाने नहीं दो। तो मैं मोहतरमा के साथ था, मोहतरमा की गाड़ी थी, तो मोहतरमा मुझे कहा नबील क्या देख रहे हो, गाड़ी मार दो, नहीं करे, तोड़ दो ये गेट।
और वो लोहे की गेट थी सिंध असेंबली की। अच्छा। और वो मैंने गाड़ी मार दी और गेट तोड़ के अंदर। कौन सी गाड़ी थी? वो निशान पेट्रोल थी और वो गेट तोड़ के हम निकले अंदर चले गए। उसके बाद मोहतरमा को इस्लामाबाद जाना था, उसको उनको जो है मैंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और वापसी में जाम सादिक ठुकी हुई गाड़ी और वापसी में जाम सादिक की हुकूमत थी, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। गेट तोड़ा तो पुलिस ने पकड़ लिया ना, मोहतरमा तो चली गई इस्लामाबाद, पकड़ लिया। लेकिन आपकी दिलेरी को सलाम है भाई। वाह वाह। मोहतरमा मेरी लीडर थी, वो जो हुक्म करती थी हमें मानना पड़ता था। वो मेरी लीडर थी और उनका मैं हमेशा। क्या खातून है, देखें वो कोई सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जहां मोहतरमा का नाम आया ना, हर बंदा नहीं ले सकता, हर बंदा अप्रिशिएट करता। देखें आपका तो ये गैर सियासी शो है, जी जी, फन शो है। यस। और हम फन बात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपने मोहतरमा का जिक्र किया वहां मुझे देखो आपने सीरियस कर दिया। नहीं, वो सीरियस इसलिए हुआ, सीरियस मतलब सीरियस सर, मैं अभी आपको नॉन सीरियस कर देता हूँ, फिर अगला सवाल से दिएगा बड़ा। वो मेरे लिए एक एंजल थी। मोहतरमा आपके लिए एंजल थी? एंजल, मोहतरमा का नाम मैंने एंजल रखा था। तो जरदारी साहब आपके लिए क्या हुआ? जरदारी साहब एंजल के शौहर थे जाहिर है। तो वो क्या कहलाते हैं एंजल? मेल एंजल को क्या कहते हैं? प्रिंस। मेल एंजल का कोई नाम नहीं है मेरे ख्याल में, मेल एंजल शहजादा आप कह लें, मतलब एंजल कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता, फरिश्ता। मैंने मेल फरिश्ता नहीं देखा वैसे कभी। अच्छा, मतलब आप उन्हें फिर एंजल की कैटेगरी में नहीं डाल ले। मैं मोहतरमा की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ लेकर गए मुझे। अच्छा अच्छा, लेकिन देखिए वहां पे भी जुड़ती है ना फिर बात। सर एक पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान, ये आपने देने का वादा किया या छीनने का? हम देते रहे और हमारी हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिए, बाकी इमरान खान ने तो छीन लिया यार, सबको बेवकूफ़ बना दिया, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया, सब उसके पीछे लगे कि भाई हमें जो है रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। इमरान खान की बात दुनिया क्यों सुनती है? एक बात है, ये सेलिब्रिटी और आदमी तकरीर करनी अच्छी आती है। देखो बात यह है कि वो उसने जो है ना एक सेलिब्रिटी के साथ साथ 14 साल की उम्र से क्रिकेटर रहे, फेम में रहे, तो लोग इसलिए उसको शुरू से ही एक सेलिब्रिटी समझते, लाइक करते थे। लेकिन आपको पता है जब दुम उठाओ तो पता चलता है नरे मादी का, तो मादी निकल आया। अच्छा, एक अच्छी बात इमरान खान की बताएं, एक अच्छी बात जरदारी साहब की बताएं, एक अच्छी बात अल्ताफ हुसैन साहब की बताएं, एक अच्छी बात आप अल्लाह आपका भला करे नवाज शरीफ साहब की बताएं। अच्छी बात इमरान खान की, आप पर्सनली जानते हैं। हाँ, इमरान खान की अच्छी बात ये है कि वो तकरीर अच्छा करता है और आवाम को बेवकूफ़ अच्छा बनाता है। ये तो देखिए सर बुराई हो गई, ये अच्छी बात याद करें, अब ऐसा भी नहीं है ना नवील गगन साहब। अच्छी, मेरे साथ वो 2002 से एमएनए रहा है हम लोग साथ। अच्छी बात ये है कि वो मेरी तरह ब्लंट है, अच्छी बात। वो और अच्छी बात ये है कि जब उस जमाने में जब वो एमएनए थे मेरे साथ बैठते थे तो वो मुशरफ की जो वजीर तकरीर करते थे तो वो उनको मुंह पे गालियां देता था। अच्छी बात ये है कि वो मुंह पे ही बोल देता था। सही है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और ये नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ की ये अच्छी बात ये है कि इन्होंने जब मोटरवे बनाए बाल लगाए थे अपने और उसके बाद जब बाल दोबारा लगाने गए थे तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अभी दोबारा लगाओगे तो आपको मतलब लोगों को पता चल जाएगा जाली बाल है, तो उसने फिर दोबारा नहीं लगाया, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। जरदारी साहब, जरदारी साहब की तो आप क्या बात कर क्या बात क्या बात है आप एक अच्छी बात लेकिन बता नहीं एक है। जरदारी साहब के अंदर एक बुराई निकाल के बता दो, अच्छाई की बात करते हो, यानी मैं बार बार आपकी बाल को देख रहा हूँ खड़े रहे आपकी, जैसे ही आपने जरदारी साहब का जिक्र किया आपके बार और बाल और खड़े हो गए। मैं तो एहतराम करता हूं, देखिए मैं तो आपको पता है न्यूट्रल आदमी हूं, उनके उनके उनका कोई बुराई निकलता ही नहीं सर, क्या मैं तो न्यूट्रल आदमी हूं, मैं तो कहीं भी सोच रहा हूं टिकट के लिए अप्लाई कर दूं, शायद आप लोगों की तरफ ही आ जाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ हमारे पास, न्यूट्रल आदमी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन की अच्छी बात यह कि वो रोज रात को 3-3 बजे वो सारे MNAs, MPs और अपने कारकुन को फोन करता था, वहां पे दिन होता होगा ना, इसलिए वो अपना टाइमिंग देखता था के अच्छाई के, अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने लोगों के साथ रابطے में रहता था। क्या बात है, क्या बात है। मौजूद खवातीनो हजरात, नबील कबूल साहब का एक डिफरेंट चेहरा कोशिश की है कि आप लोगों ने देखा हो, महसूस हुए हो, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। और कबूल साहब, हम आपको बेस्ट विशेस देंगे इन फ्यूचर, आप जो भी करें, और 6 महीने बाद इलेक्शन भी है, उसके लिए भी आपको एडवांस में मुबारकबाद भी है और बेस्ट ऑफ लक भी है। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा हमारे साथ। मुझे बहुत मजा आया, और आप बताएं कि ये बाल खड़े करने के लिए क्रीम कौन सा इस्तेमाल करते हैं।
सर ये कोई खड़ी हुई चीज को बड़ा देखता है गौर से। जब एक चीज किसी का बैठा होता है ना, जो किसी के दूसरे का खड़ा हुआ देखता है ना, तो उसको फिर यही होता है कि इसका मैं एडवाइस दूं कि मेरा भी कैसे खड़ा हो। सर आपके ऑलरेडी खड़े हैं और जितने खड़े हैं काफी हैं, आपके बाल, आपके बाल खड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब आपके आने का। मौजूद ख़वातीनों हज़रात, इस पॉडकास्ट से मुझे और नबील कबूल साहब को दीजिए इजाज़त, सरदार नबील कबूल साहब को दीजिए इजाज़त इस सपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।